आज ही इस तरह के लोगों से बना लें दूरी, एक झटके में ये आपको कर सकते हैं बर्बाद। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई तरह के लोगों का जिक्र किया है। इनमें वे लोग भी हैं जिनके साथ हमें रहना चाहिए और वे लोग भी हैं जिनसे हमें जितना हो सके दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप चाणक्य द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हैं तो ऐसे में आपको एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी मिल सकती है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम का होने वाला है जो लोगों के समूह में रहना पसंद करते हैं और सभी को अपना शुभ चिंतक या फिर दोस्त समझते हैं। आज हम उन लोगों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे आपको जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आप समय रहते इनसे दूरी नहीं बनाते हैं तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। नंबर एक पे आते हैं गुस्सैल व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार आपको एक गुस्सैल व्यक्ति से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह के लोग काफ़ी जल्दी अपना आपा खो देते हैं और किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार नहीं करते हैं। अगर आप इस तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो हमेशा झगड़े का खतरा बना रहता है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखें। नंबर दो पर आते हैं मूर्ख व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि मूर्ख व्यक्ति किसी उपदेश या ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में इस तरह के लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने में कई बार मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। नंबर तीन पर आते हैं आलसी व्यक्ति। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको एक आलसी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह के लोग अपना कोई भी काम सही समय पर नहीं करते हैं। ये लोग काफ़ी जल्दी दूसरों पर निर्भर बन जाते हैं। अगर आप इस तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो ऐसे में आप भी आलसी हो जाते हैं। नंबर चार पर आते हैं लालची व्यक्ति। जो लालची व्यक्ति होते हैं वे हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोगों के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं या फिर किसी तरह का बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसा करना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। नंबर पाँच, वासना में लिप्त व्यक्ति। वासना में लिप्त व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके व्यक्ति बड़ी समस्या में फंस सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। इन लोगों के कारण आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। नंबर छः, निगेटिव व्यक्ति। इस तरह के जो लोग होते हैं वे हमेशा निगेटिव तरह की बातें करते हैं। इनकी सोच भी काफ़ी निगेटिव होती है। अगर आप भी इस तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो देखते ही देखते आप भी ऐसे ही बन जाते हैं। सात, आलोचना करने वाला व्यक्ति। इस तरह के जो लोग होते हैं वे हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। इस तरह के लोग दूसरों का मजाक भी खूब उड़ाते हैं। अगर आप इस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। जितना हो सके इस तरह के लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब अगले नंबर यानी कि नंबर आठ पर आते हैं चुप रहने वाले। ज़्यादातर चुप रहने वालों को लोग समझते हैं कि वो हमारी तरह कम बोलने वाला सीधा व्यक्ति है, पर जब हम उनसे बात करते हैं तो ज्ञात होता है कि वो तो आक्रोश में भरा पड़ा है। संकुचित सोच के कारण वो किसी से बोलता नहीं और लोग समझते हैं वो हमारी तरह है, जबकि हम शर्मीले होने के कारण कम बोलते हैं, किसी को नापसंद नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को कम बोलने के आधार पर सीधा नहीं समझना चाहिए। नंबर नौ, आपको उन लोगों से भी दूरी बना लेना चाहिए जो हमेशा दूसरों की बुराई ही करते हैं। जो लोग आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं वो दूसरों के सामने जाकर आपकी बुराई भी करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।
तो ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।